और आज मोदी सरकार का तीसरे टर्म का पहला बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 48 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बजट को लेकर कहा कि इस बजट में हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। अब इस पर अलग अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। गरीबों को इस बजट में काफी लाभ होगा, जेपी नड्डा ने कहा है। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, रोजगार और महिलाओं पर स्पेशली फोकस किया गया है। इस बजट में मातृशक्ति आगे बढ़ने की अमिट छाप है, तो कृषि विकास एवं किसानों की खुशहाली का आधार भी है। इसमें नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है, तो गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा से ओतप्रोत और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रति समर्पित बजट है। केंद्रीय बजट पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लिए है, बजट से भारत में तेजी से विकास होगा। अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है और वित्त मंत्री जी ने ये कहा है कि जो विकास की दर है वो 7% से लगातार ऊपर की ओर चलती रहेगी। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था 7% के गति से न्यूनतम 7% की गति से चलेगी, यह एक बहुत ही अच्छी साइनिंग है। उन्होंने जो बजट रखा है वो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दृष्टि से 2047 में चरणबद्ध तरीके से काम करने के लिए उन्होंने विशेष रूप से गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और महिलाओं के उत्थान के दृष्टि से पूरे बजट के भीतर एक समेकित व्यवस्था कराई है। तो केंद्रीय बजट में हेल्थ सेक्टर में भी मोदी सरकार ने विशेष रियायत दी है। यशोदा हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने कहा कि कैंसर की 3 दवाएं 100% कस्टम फ्री की गई हैं, तो एक्सरे मशीन भी सस्ती हुई है, जिससे मरीजों को काफी फायदा मिलेगा। तो ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि केंद्रीय बजट में हेल्थ सेक्टर में भी मोदी सरकार ने विशेष राहत दी है। यशोदा हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने कहा कैंसर की 3 दवाएं 100% कस्टम फ्री की गई हैं, तो एक्सरे मशीन भी सस्ती की गई है, जिससे मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। जहां पर कहीं कमी है, जिससे बिहार में लगता है कहीं कमी है, तो उसके लिए स्पेशल पैकेज दिया गया है और भी एक स्टेट को स्पेशल पैकेज दिया गया है। तो ये एक अभूतपूर्व बजट है, मैं इस बजट की दिल से प्रशंसा करता हूं और हमारे क्षेत्र को जो हेल्थ सेक्टर है उसको भी नहीं छोड़ा है। उसके अंदर भी जो कैंसर के पेशेंट्स परेशान होते हैं, 3 जो बड़ी महंगी दवाइयां हैं उन दवाइयों को 100% कस्टम फ्री किया गया है। एक्सरे जो आज गांव-गांव में लग रहा है उसको सस्ता किया गया है और उसको कस्टम से फ्री किया गया है।